नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिलिट्री मंत्रा चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जितने भी डिफेंस करंट अफेयर्स होते हैं दोस्तों, उसे हम यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपने इसका पार्ट वन नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसके साथ साथ मैं आपको आई बटन में भी उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एफकैट की, सीडीएस या एनडीए की, तो आपको पता होगा कि डिफेंस रिलेटेड बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प हो जाए, इसीलिए ये वीडियो सीरीज की शुरुआत हुई है। तो चलिए दोस्तों, वो देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो आज हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों कि यूनाइटेड स्टेट उस किस कंट्री के साथ ये एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जिसका नाम फ्रीडम गार्डियन है उसको सस्पेंड करने वाला है। तो बेसिकली आपके पास चार ऑप्शन है, साउथ कोरिया है, फ्रांस है, इसराइल है और रशिया है। तो दोस्तों, यूएस का सबसे अच्छा दोस्त है साउथ कोरिया, तो उसी के साथ इन्होंने सस्पेंड किया है। क्यों सस्पेंड किया है? क्योंकि इनके जो पिछले मिलिट्री एक्सरसाइज से सेम से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो गई थी, तो अब उसकी जरूरत नहीं लगी उनको, इसी वजह से इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को यहाँ पर सस्पेंड किया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो जो पिछली बार किया था तो वहाँ पर सारी जितने भी एक्सरसाइज थी वो सारी सिमुलेशन बेस्ड थी, मतलब उन्होंने ग्राउंड पे कोई ड्रिल नहीं की थी। बेसिकली मान लीजिए कंप्यूटर के सामने अगर आपके पास टैंक का सिमुलेशन है, एयरक्राफ्ट का है, किसी वेपन का है, तो वो सारी चीज़ें की गई थी। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर फ्रीडम गार्डियन नाम की एक्सरसाइज को अभी सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप मैप देखेंगे दोस्तों, साउथ कोरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसकी कैपिटल है सियोल, और यहाँ नॉर्थ कोरिया है, उसकी प्योंगयांग है। दोनों के बीच को डिवाइड करता है दोस्तों 38 डिग्री पैरेलल लैटिट्यूड लाइन, ठीक है। वो कोरियन वॉर के बाद इसे डिवाइड कर दिया गया था, इसे याद रखिएगा, 38 डिग्री है, ठीक है। उसके साथ देखिए नॉर्थ कोरिया को तीन कंट्रीज टच करती है, नीचे साउथ कोरिया तो करता ही है, ऊपर चाइना है, और यहाँ पे आपको रशिया भी दिखेगा, ठीक है, रशिया भी टच करता है। उसके साथ साथ देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे जो येलो सी है दोस्तों आपको कहाँ मिल रहा है? चाइना और कोरियन पेनिनसुला के ठीक बीच है, ठीक है, यहाँ पे बीच में आपको मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए सी ऑफ जापान है, और यहाँ पे जापान तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इतनी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आईसीजीएस रानी रशमोनी के बारे में। तो अगर आप किसी कोस्ट गार्ड के लिए एंट्री के लिए गए हुए हैं, अगर आपको एफएसबी या पीएसबी गए हैं, तो वहाँ पे आपको इस बारे में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। तो पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे कमीशन किया गया है। तो ये बेसिकली एक फास्ट वेसल है, तो बेसिकली इसको कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में। ये जो चार ऑप्शन है, इसी के साथ एक और जोड़ लीजिए दोस्तों, विशाखापट्टनम में इसे कमीशन किया गया है, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा और पता लगाते हैं कि जो इसका मतलब है फास्ट पेट्रोल वेसल। तो बेसिकली पांच है जो इंडिया को मिलने वाले थे, उसी में से पांचवा है, ठीक है। फास्ट पेट्रोल वेसल का फायदा क्या है? अब पेट्रोलिंग करते हैं जैसे पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं, वैसे ही कोस्ट गार्ड का एक दायरा है, ठीक है। इसे कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए टेरिटोरियल सी होता है, एक कंटिजियस सी होता है, ठीक है। अगर आप जो लैंड से अगर 12 नॉटिकल माइल जा रहे हैं, नॉटिकल माइल दोस्तों डिस्टेंस की मेजरमेंट है, समवेयर इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, 1 नॉटिकल माइल, ठीक है। उसके साथ साथ नॉट्स होती है, नॉट्स बेसिकली स्पीड को मेजर करता है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जो 12 नॉटिकल माइल है उसे टेरिटोरियल सी कहते हैं, उसके आगे और थोड़ा और चले जाते हैं 12 नॉटिकल माइल, तो टोटल 24 का आपका हो जाएगा कंटिजियस जोन। उसके आगे अगर यहाँ जाते हैं, ये बेसिकली कितना है अपना 200 नॉटिकल माइल, तो उसे कहते हैं ईईजेड, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए अब चाइना यहाँ पे आके कुछ स्मगलिंग कर रहा है कंटिजियस जोन में, तो उनको पकड़ा जा सकता है कोस्ट गार्ड द्वारा, क्योंकि ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है ये दो एरिया, ठीक है। और एक्सक्लूसिव जोन में हमको मान लीजिए कोई मैंगनीज या फिर किसी जिंक के अगर यहाँ पे रिजर्व्स मिल जाते हैं, तो हम यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन शुरू कर सकते हैं अगर वो ईईजेड में है। अगर 200 नॉटिकल माइल्स पार हो गए हैं तो यहाँ पे 200 आपको हाई सी मिलेगा, यहाँ पे एक्चुअली नॉर्मल शिप्स एक्चुअली मूव कर सकते हैं, उनको हमसे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस नोटिफाई करना होता है कि हाँ हम यहाँ से इस पैसेज से निकलने वाले हैं। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की बात कर लेते हैं, इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1978 में, और यहाँ पे इसका ज्यूरिसडिक्शन देख सकते हैं कि टेरिटोरियल वाटर में है, कंटिजियस जोन में है। उसके साथ साथ इसका जो मोटो है काफी अच्छा है, वी प्रोटेक्ट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, जो पेट्रोलिंग होती है, सर्वेलेंस का काम होता है, वो सारे काम करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वाले। तो इनका जो हेडक्वार्टर है आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। तो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इंडियन आर्मी का कौन सा ऐसा कैंटोनमेंट है जहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उनको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों, फजिलका है, जैसलमीन है, जयपुर है, वडोदरा है। तो दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा कैंटोनमेंट है जिसे स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर पे यहाँ पे डेवलप किया जाने वाला है। तो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वो एक्चुअली राजस्थान में ही है। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है दोस्तों, तो वो है बेसिकली जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की एक स्मार्ट सिटी मिशन है जहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है उन सिटीज़ को जो काफ़ी ज़्यादा अपने किसी भी मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए या फिर गवर्नेंस के नाम पे अगर वो थोड़ा भी इंप्रूव करते हैं तो उनको और ज़्यादा फंडिंग दी जाती है स्मार्ट सिटी मिशन में। तो दोस्तों, इसे ऑर्गेनाइज किया गया किस मिनिस्ट्री द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसे लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, 2015 में लॉन्च हुआ था। तो किसी भी एग्जाम में आपको स्टेटमेंट सब में आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा सकता है बताइए स्मार्ट सिटी मिशन क्या 2017 शुरू हुआ था? तो जवाब है नहीं। क्या कोई जो जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन है, क्या है स्मार्ट सिटी के अंदर इसे डेवलप किया जाएगा? नहीं। तो दोस्तों, यहां पे इस जवाब होगा हां। तो दोस्तों, यहां ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं जहां पे आपको बताना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है।
तो अगला दोस्तों कि वो कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है ग्लासनोस एम पोजिशन सैटेलाइट, जो कि जो सोयोज कैरियर रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अगर आपने नाम यहाँ पे देख लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंट्री से है। ये हमारा फिर से ऑल वेदर फ्रेंड है दोस्तों, ये है बेसिकली रशिया ने लॉन्च किया है। तो ये जो ग्लासनोस है ये बेसिकली एक नेविगेशन सिस्टम के लिए काम आएगा और पोजिशनिंग बताएगा, जैसे कि हमारा जो जीपीएस सिस्टम बताता है ना कि अभी तो हमारा नाविक सिस्टम है, हमने जीपीएस तो यूएसए से लिया है, लेकिन जो नाविक सिस्टम जैसे वर्क करता है हमने 7 या 8 सैटेलाइट छोड़े हुए जिससे हमें लोकेशन काफी प्रिसाइसली पता चल जाती है, उसी तरीके से जो रशिया उन्होंने ग्लासनास को भेजा हुआ है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रशिया। तो रशिया ने दोस्तों ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए बनाया है। उसी के साथ साथ दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे बताइए जाक्सा कौन सी कंपनी कौन सी कंट्री से रिलेट करता है। जाक्सा बेसिकली जापान की स्पेस एजेंसी है, उसी तरीके से इसरो है हमारी इंडिया की, उसी तरीके से नासा है। उसके साथ साथ दोस्तों रशिया की क्या है, रशिया की है रॉस कॉस्मोस। तो इसको एस्टैब्लिश किया था 1992 में। तो आपको बस नाम पता होना चाहिए और कौन सी कंट्री से रिलेटेड है इतना बताना चाहिए, ठीक है, रॉस कॉस्मोस। अब बात करेंगे दोस्तों डीआरडीओ ने एक नया रॉकेट सिस्टम बनाया है जिसमें प्रिसीजन गाइडेड सिस्टम है। प्रिसीजन मतलब कितनी एक्यूरेसी के साथ वो हिट कर सकता है, मतलब पिछले अटैक से कितना पास में अटैक कर सकता है। तो प्रिसीजन है ना, ये पहले भी हमारे पास मिसाइल थी, इसे हमने कारगिल वॉर में भी यूज़ किया था, लेकिन तब उसमें ये गाइडेंस सिस्टम नहीं था। तो अगर मान लीजिए जब कारगिल में प्रॉब्लम ये हुआ था कि अगर आप यहाँ से लॉन्च कर रहे हैं ना तो वो यहीं पर हिट करेगा, अगर आपके जो लोग हैं मतलब टारगेट अगर मूव कर जाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, तो वो यहाँ पर ही हिट करेगा। लेकिन अब क्या है दोस्तों, उसके पास गाइडेंस सिस्टम है, जैसे जैसे आपका टारगेट मूव करेगा ये मिड एयर में अपने आप को अपडेट करता रहेगा अपनी ओरिएंटेशन को, इससे क्या है टारगेट कहीं पर भी मूव करे उसको हिट करेगा। तो ये है दोस्तों पिनाका मिसाइल। तो पिनाका को यहाँ पे प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल कहा जा रहा है क्योंकि इसको अपडेट किया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट मिसाइल है, उसके बारे में यहाँ देख सकते हैं आप। पिनाका के मल्टी बैरल जो लॉन्चर है यहाँ पे एक्चुअली आप कितने 12 रॉकेट एक साथ लॉन्च कर सकते हैं 40 सेकेंड के डिफरेंस के बीच में, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर हमारे पास कारगिल में वो जो केपेबिलिटी नहीं थी तब, उसको यहाँ पे हमने डेवलप कर दिया है। तो उसी के साथ साथ पिनाका के बारे में जानिए, इसे किसने बनाया है, इसे डीआरडीओ ने बनाया है। उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जो आर्मेंट क्लस्टर है उसने काफी हेल्प की है व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मिसाइल। अब बात करते हैं दोस्तों वो कौन सी कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया है कि वो अब हमें अपाचे का अटैक हेलीकॉप्टर देने वाला है, या उसका जो कोड है वो है बेसिकली AH-64E। तो वो कौन सी कंट्री है जो हमें यहाँ पे हेलीकॉप्टर देने वाला है? तो ऑब्वियसली बात है काफी सिंपल सा सवाल है, यूनाइटेड स्टेट्स देने वाला है। तो यहाँ पे जो कांग्रेस है तो वहाँ पर ये बिल पास कर दिया गया है, तो यहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आगे नहीं आती है तो हमको ये अपाचे का जो हेलीकॉप्टर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपाचे के बारे में काफी फास्ट है, ये 365 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर है, काफी ये बेसिकली एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, तो इसकी हमें काफी ज्यादा जरूरत होगी। इसी के साथ साथ हम लोग चीनों की भी डील कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है, कब हम इंडिया को मिलने वाला है ये दो एयरक्राफ्ट, एक तो अपाचे है और एक चिनुक। तो इसका जो यहाँ पे जो बिल्ड होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, ये बोइंग करने वाला है एक इंडियन पार्टनर के साथ। इंडियन पार्टनर कौन है दोस्तों? टाटा है, टाटा के साथ मिलकर करने वाले हैं। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आपको मान लीजिए इसके साथ जो आपको अम्यूनिशन की जरूरत है, जो एयर टू एयर मिसाइल की जरूरत है, स्टिंगर एयर मिसाइल की बात की जा रही है, तो वो सारी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कौन सा ग्रुप ऑफ पार्टनर है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेट करके जो डिफेंस सिस्टम है ना, तो उसको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। तो सोल्यूशन दोस्तों इसी वजह से प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि जो साइबर सिक्योरिटी है और जो यहाँ पे जो सीक्रेटिव नेचर होते हैं हमारे जो कम्युनिकेशन के, उसको और ज्यादा सीक्रेटिव करने के लिए ये किसके बीच में यहाँ कोलैबोरेशन है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट है, वो किसके साथ कर रहा है? वो कर रहा है दोस्तों थेल्स ग्रुप के साथ। थेल्स बेसिकली एक फ्रेंच बेस्ड एक कंपनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रांस की कंपनी है जहाँ पे जो एक्चुअली कोलैबोरेट करने वाला माइक्रोसॉफ्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ताकि वो हमें एक साइबर सिक्योरिटी इंक्रिप्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करें आर्म फोर्सेस के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट रह सकता है वो एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये पूछ सकता है कि कौन सी वो दो कंपनीज है जो कोलैबोरेट करने वाली है ताकि जो डिफेंस सिस्टम आर्म फोर्सेस है उनको एक साइबर सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो है वो दोस्तों थेल्स और माइक्रोसॉफ्ट। अब बात करेंगे दोस्तों कौन सी कंट्री में बिमस्टेक का पहला एक्सरसाइज होने वाला है फोकसिंग ऑन काउंटर टेररिज्म। तो यहाँ पे आपके पास चार कंट्रीज के नाम है दोस्तों, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे होने वाला है। ये तो काफी ज्यादा न्यूज में था दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों पुणे में। तो पुणे कहाँ पे? इंडिया में हुआ था दोस्तों ये। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पुणे में हुआ था सेप्टेंबर के मंथ में। तो काउंटर टेररिज्म इन सेमी अर्बन टेरेन, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जितने भी अटैक होते हैं टेररिस्ट अटैक, तो अब यहाँ पे ये पहले तो 2008 में कहाँ से आया था? सी रूट से आया थे। अब यहाँ पे लोन वुल्फ अटैक होते हैं, मतलब एक ही बंदा आता है यहाँ पे सुसाइड बॉम्ब करके चला जाता है। तो जो लोन वुल्फ अटैक है ना काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ये अर्बन एरिया में ज्यादा होते हैं, इसी वजह से हमारी उतनी अच्छी तैयारी होनी भी चाहिए, इसलिए ये सारी एक्सरसाइज की गई थी। तो बिमस्टेक में दोस्तों अगर आपको नहीं पता इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। कब शुरुआत हुई थी इसकी? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1997 में। आपको इसका सेक्रेटरीट मिल जाएगा कहाँ पे? ढाका में। ढाका किधर है? बांग्लादेश की कैपिटल है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लीजिए बिमस्टेक में कितनी कंट्रीज है दोस्तों। सबसे पहले तो ये इतना आपको बताना चाहिए कि इसमें 7 कंट्रीज है, ठीक है, यहाँ पे 7 कंट्रीज आप देख सकते हैं। और ये जो इंडिया दोस्तों यहाँ पे थोड़ा माप गलत है,
तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी इंडिया का ही पार्ट है, तो ये कश्मीर का पूरा एरिया अपना ही है। तो अब देख लेते हैं कौन से कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया दिख रहा है आपको, यहाँ नेपाल है, या श्रीलंका है, या बांग्लादेश आपको मिल गया, या भूटान मिल गया, इधर आपको थाईलैंड भी मिल गया, और यहाँ म्यांमार और ये थाईलैंड, ठीक है। अब इतना आपको पता चल गया, तो इस टोटल 7 कंट्रीज है। और इसमें ये बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी पहले इसका कोई चार्टर नहीं था कि मतलब इस बिम्स्टैक में हम लोग करने क्या वाले हैं, लेकिन रीसेंट मीटिंग्स में ना धीरे धीरे इसका चार्टर बन रहा है कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, थाईलैंड द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, तो उन 5 सेक्टर्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसके साथ साथ जो ट्रेड है उसे भी यहाँ पे ज्यादा ज्यादा फ्लरिश करने की कोशिश करेंगे। अगली बात करेंगे दोस्तों, वो कौन सा है, यहाँ पे इंडिजिनियसली बिल्ड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। यहाँ पे आप उसका फोटो भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 4 नाम लिखे हुए हैं, सीजर है, धनुष है, मिनीमान है, और यहाँ पे जैक फ्रॉस्ट है। तो इसमें ऑब्वियसली आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सा है वो जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। तो दोस्तों इसका जवाब है धनुष। तो दोस्तों ये धनुष जो है ना, ये एक आर्टिलरी गन है। आप इसको कंफ्यूज मत कीजिए कि हमारे पास एक धनुष नाम की एक मिसाइल भी है, जो बेसिकली पृथ्वी 3 का नेवल वेरिएंट है, उसको हम धनुष ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये उससे डिफरेंस है, वो एक मिसाइल है और ये बेसिकली आर्टिलरी गन है, तो उसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आर्टिलरी गन है जो अभी इंडियन आर्मी में यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, या उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो उसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज है, उसका यहाँ पे लेंथ मेजरमेंट कैलिबर सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं लेंथ कितनी है, 45 कैलिबर है इसका, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्रीच क्या है, स्क्रू टाइप, इलेक्ट्रोरियल, मैग्नेटोरियोलॉजी, सारी जितनी डिटेल है वो यहाँ पे आपको कर दी गई है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहिए कि इसका नाम क्या है। उसी के साथ तो इसको बोला जाता है कि ये एक देसी बोफोर्स है। आपको बोफोर्स कैंडल के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन यहां पे बोला जा रहा है कि जितनी कैपेबिलिटी बोफोर्स के पास थी ना, उससे कहीं ज्यादा कैपेबिलिटीज इसके पास है, और क्योंकि इंडिजिनस है इसे इसे बोला जा रहा है देसी बोफोर्स। क्या नाम है इसका? धनुष। अब बात करेंगे दोस्तों, ये यहां पे पूछा जा रहा है कि इंडिया विल टेक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम विथ वन ऑफ द कंट्रीज, और किसके अंदर करने वाला है? ये एससीओ के अंदर। एससीओ का मतलब क्या है? शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहली ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाली है, जस्ट बिकॉज हम एससीओ के पार्ट हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, इंडोनेशिया के साथ तो मैंने आपको सुबह ही बताया था, एक एक्सरसाइज तो की थी हमने, टर्की, अफगानिस्तान। तो दोस्तों बताइए आंसर क्या है? तो दोस्तों वो है हमारा काफी अच्छा दोस्त पाकिस्तान। तो इसके साथ हमने करने वाले हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं करने वाले, सारी कंट्री कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ पहली बार होने वाला है। तो ये दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है एससीओ, तो बेसिकली इसका बहुत इंपॉर्टेंट मैंडेट है, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ है। क्योंकि अगर आपको पता होगा, सार्क जो है ना, सार्क में भी इंडिया पाकिस्तान है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टेररिज्म जो जो पाकिस्तान में होती है, तो वो हमें पसंद नहीं है, इसी वजह से हमने सार्क को बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर कर दिया। हम लोग कोई भी सार्क मीटिंग अटेंड भी नहीं करते हैं, इवन जो हमने सैटेलाइट भेजा था उसमें हमने पाकिस्तान को यहाँ पे ये नाम भी नहीं बताया कि ये पाकिस्तान भी यूज़ कर सकता है। एक्चुअली यहाँ पे सार्क में कोई बिल्कुल डिसमेंटल हो चुका है, वहाँ पे कोई फंक्शनिंग होती ही नहीं है, इसी वजह से एससीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना सब अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो ये मिशन होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान दोनों एक साथ पार्टिसिपेट करने वाले हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो ये इसका नाम होगा पीस मिशन 2018। क्यों होगा? यहाँ पे बेसिकली कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो टेररिज्म की और काउंटर टेररिज्म का जो यहाँ पे एक पूरा मोटो है कि मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हो सकती हैं उसे यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा। तो दोस्तों जो हेडक्वार्टर है एससीओ का, काम मिलेगा आपको बीजिंग में मिलेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को ऐड किया गया था, तो आपको बताना चाहिए कौन सी कंट्रीज है जो एससीओ के पार्ट हैं। तो सबसे पहले ऊपर से देखिए दोस्तों, ये है बेसिकली रशिया जिसकी कैपिटल मॉस्को है, ये इसका पार्ट है। कजाकिस्तान है, उसकी कैपिटल अस्ताना है। किर्गिस्तान है जिसकी कैपिटल बिशक है। उसके साथ साथ उज्बेकिस्तान, ताशकंद, ताशकंद बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, तो ये जरूर याद रखिए। और उसके बाद दोस्तों तजाकिस्तान है जिसकी कैपिटल दुशानबे है। इंडिया तो है ही दोस्तों, पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है दोस्तों? इस्लामाबाद है। उसके साथ साथ दोस्तों तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जो सीडीएस एनडीए एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ ही शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। और अगर आप अभी तक आपने इस वीडियो सब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप चाहते हैं मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में भी लिख के जरूर बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।